आज अंसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए, तो शर्म आती है योगी आदित्यनाथ को ताड़ियां मार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ खुसरो की तरह ताली बजाते रहे। दर्शकों बिल्कुल ठीक सुना आपने, संदीप दायमा ने गुरुद्वारों को नासूर बताते हुए मस्जिद किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिया, ये नासूर बन जाएगा। मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव कुमार, मेरे यूट्यूब मंच सच की आवाज पे आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ खुसरो की तरह ताली बजाते रहे। दर्शकों बिल्कुल ठीक सुना आपने, योगी आदित्यनाथ खुसरो की तरह ताली बजाते रहे, ये कहना है राजस्थान की तिजारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से। दर्शकों राजस्थान में चुनाव खत्म हो गए, मगर उसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। राजस्थान की तिजारा सीट से बाबा बालक नाथ के मंच से संदीप दायमा ने गुरुद्वारों को नासूर बताते हुए उन्हें तोड़ने की बात कही, और जबकि वहां योगी आदित्यनाथ भी बैठे थे। क्या कहा संदीप दायमा ने सुने। तो सुना आपने, और योगी आदित्यनाथ को खुसरे क्यों कहा, क्योंकि वह मंच पर बैठे हुए थे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत में क्या कहा सुनते हैं। हम तो कुछ नहीं है भी, इंडिया में कोई चुनाव आयोग नाम का चीज है या नहीं है, ये कुछ नहीं है। क्या चुनाव आयोग तो महसूस क्यों नहीं हो रहा, एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मंदिर मस्जिद है गुरुद्वारे नसूर बन चुके तोड़ देने चाहिए, तो चुनाव क्यों क्या कर रहा है। मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है, सरे वो लाइव बोल रही है और सीएम पर तालियां लगा रहा है, इससे शर्म बच गया चुनाव आयोग के लिए। मुझे आप बता दीजिए ये भाषा यूज करने वाली, फिर गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं, ये नसूर नहीं देश के लिए। आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए, संदीप दायमा जैसे लोग जो फिरका पस्त लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे शर्म आती है, योगी आदित्यनाथ को ताड़ियां मार रहे हैं, जब खुसरे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं आए, यहां जिंदा जीवे लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती है, पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर। किस तरह की भाषा प्रयोग करेगा आकर, मंदिर है सभी मत्था के सत्कार करते हैं, हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की आकर, और बीजेपी उसमें नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। तो सुना आपने, आपको बताते चले कि उसके बाद हालांकि संदीप दायमा की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, और उन्होंने एक वीडियो जारी करके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से और सिख समुदाय से माफी मांगी। सुने आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे से कैसे गलती हुई है, और ऐसे सिख समाज की जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म की सनातन धर्म की हमेशा रक्षा की हो, ऐसे सिख समाज के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसी गलती कर भी सकता हूं। तो मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे से पता नहीं कैसे गलती हुई, मैं इस गलती का कैसे जाकर गुरुद्वारे में मैं पश्चाताप करूंगा। मैं पूरे समाज से, मैं पूरे सिख समाज से हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सत श्री अकाल। तो दर्शकों देखा आपने, ये भाजपा दो मुआ सांप हैं, मस्जिदों को तो डसने के लिए तैयार रहते हैं, अब गुरुद्वारों को भी डसने के लिए तैयार हो गए, और वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ खुद मंच के ऊपर बैठे थे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और लाइक करें या ना करें शेयर जरूर करें। नमस्कार।